Good morning, dear students. So, students, as you all know, that our bookwork of chapter 5th was completed yesterday. So, today we are going to start the dictation word and word meaning of chapter 5th. So, you will open your EVS notebook and write down date and day here 24th July 2020, day Friday, lesson 5th, exercise and recreation. Dictation word. Our first dictation word is exercise. E X E R X C I S V size. Access size. Second is games. Beta, you will write G in four lines. Look at here as I do. G A M E S Games. Matlam le. थर्ड इज़ होबी एच ओ डबल बी वाई हॉबी मतलब किसी चीज़ का शौक़ होना ये शौकीन हो आप किसी चीज़ की उसको बोलते हैं हॉबी जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं फोर्थ इज़ वीक एंड सो बेटा यू विल फाइंड द मीनिंग इन वर्ड लाइक वीक वीक मतलब हफ़्ता एंड मतलब ख़त्म जब हफ्ता ख़त्म होने वाला होता है लाइक सैटरडे संडे so it's called weekend week w w e k week e n d n weekend here so open your next page. here's word meaning first of all write down as date and day lesson number as i am showing after that you will write word meaning first is relax relax matla humne अपना इजी फील करना और फ्रेश फील करना आर ई एल ए एक्स रिलैक्स मतलब लूजन अप एल डबल ओ एस ई एन लूजन यू पी अप मतलब हमें किसी चीज़ की टेंस नहीं होना बस फ्रीली फील करना सेकेंड इज लिसन एल आई एस टी ई एन लीसन मतलब सुनना हेयर एच ई ए आर हेयर थर्ड इज इनडोर आई एन इन डी आर डोर इनडोर मतलब इनसाइड अंदर आई एन एस आई डी इन साइड बेटा देखो इन मतलब में डोर के अंदर लाइक वी विल फाइंड द मीनिंग इन वर्ड्स फोर्थ इज इंपोर्टेंट आई एम पी ओ आर टी इम्पोर्ट ए एन टी एन इम्पॉर्टेंट मतलब मेन जब कोई चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो मेन चीज़ हो जो एम ए आई एन मेन क्लियर थैंक यू